Assalamualaikum, welcome back to my channel. मैं हूँ सईदा इस्माइल, आप देख रहे हैं सईदा इस्माइल का चैनल. कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे. इन मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. तो जी, मेरे जो चैनल पे न्यू है उनको मैं बोलूंगी कि जल्दी से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो पहले आप तक आती रहे. तो बहुत टाइम बाद मेरी वीडियो आ रही है. बहुत ज्यादा पूछ रहे थे आप सब कि मैं कहाँ थी और मेरी वीडियो क्यों नहीं आए. एक्चुअली घर में भी बहुत काम होते हैं, बिजी होता है इंसान अपनी लाइफ में, तो इस वजह से. बट कोशिश करूंगी कि मेरी वीडियो आया करे. और यस, आई नो आप लोग मेरा इतना वो वेट करते हैं वीडियो का कि कब आएगी नई नई वीडियो. तो जाहिर सी बात है आप लोगों के लिए तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं वीडियो टाइम पर ला सकूँ, ठीक है. तो आज जो रेमेडी है आज की, वो ये है कि हम सब काम बहुत करते हैं, बहुत ड्राई हो जाते हैं. एंड ये जो झुर्रियों वगैरह है, झुर्रियाँ वगैरह निशान जो होते हैं, ठीक है, पड़ जाते हैं हाथों पे. बहुत जो हार्ड वर्किंग है उनके भी हाथ खराब हो जाते हैं. यस, तो हाथ जो है वो बहुत ओल्ड लगने लगते हैं सभी को. तो मैंने सोचा मैं क्यों ना अपने हैंड्स की आपको हैंड्स दिखाऊं कि मैं अपने हैंड्स कैसे सॉफ्ट सॉफ्ट रखती हूँ. और आज की इसी टॉपिक में बात करेंगे एंड मैं आपको आज की ये रेमेडी दिखाऊंगी हैंड्स के लिए जो कि आप यूज़ कर सकते हो और आपके जो हैंड्स है सॉफ्ट हो जाएगी बेबी सॉफ्ट की तरह. लेकिन आपने लगातार यूज़ करना है तो जाके फिर आपके हैंड्स सॉफ्ट हो जाएंगे. और जाहिर सी बात है हम जैसे अपना ख्याल रखते, अल्लाह ने तो सभी को प्यारा बनाया, राइट. बट जैसे आप अपना ख्याल रखते हैं तो अपने हाथों का भी ख्याल रखना चाहिए साथ साथ. जैसे हम फेस का ख्याल रखते हैं जो भी है, तो अपने फेस के साथ साथ हैंड्स पाँव बहुत ज़रूरी होता है. तो आज की वीडियो हैंड्स के ऊपर है तो मैं आपको दिखाती हूँ आज की रेमेडी. चले एंड वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, प्लीज वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा. एंड या अच्छा देखिए जी कि ये टोमेटो मैंने हाफ लिया है. हमें सिर्फ हाफ चाहिए, राइट. हमें ज्यादा नहीं चाहिए, हाफ चाहिए. इसका जितना भी पल्प है हम निकाल देंगे. इसका जितना भी पल्प है ना तो हम इसको निकालेंगे. निकालेंगे उसके बाद क्या करेंगे ये मैं आपको दिखाती हूँ. तो प्लीज वीडियो को वॉच करें, आप फुल वॉच कीजिएगा, ठीक है. जितनी मेहनत हम मेहनत से बनाते हैं वीडियो उतनी आप लोग देखते नहीं, आई नो. तो प्लीज वीडियो को फुल वॉच किया करें. एंड या ये देखिए जितना इसका टोमेटो का पल्प हमने निकाल दिया, राइट. अच्छा जी, अब हमें चाहिए रोज वाटर. हम इसमें ट्रांसफर करेंगे अच्छे वाला. आपने रोज वाटर लेना है एंड 1 टीस्पून ऐड कर देंगे, ठीक हो गया. ये 1 टीस्पून चला गया. उसके बाद हम लेंगे कोकोनट ऑयल. कोकोनट ऑयल हमें चाहिए जस्ट 1 टीस्पून, ओके. तो कोकोनट ऑयल लेंगे हम 1 टीस्पून. ये देखो गर्मी है ना तो काफी मेल्ट हो चुका है. बाहर रहे जहाँ भी रहे मेल्ट ही मिलेगा आपको गर्मियों में. ये देखें तो हम ले लेंगे 1 टीस्पून. अगर आपका मेल्ट नहीं हुआ तो आप इसको ओवन में माइक्रो में रखें 30 सेकंड के लिए तो आपका मेल्ट हो जाएगा. तो मैं यहाँ थोड़ा सा और ले लेती हूँ. तो ये गया हमारा कोकोनट ऑयल. तो इसको हम पहले अच्छे से मिक्स करेंगे. मिक्स करने के बाद हम इसको स्टेन जो बीच है ना हम निकाल लेंगे. आपने अच्छे से मिक्स करना है इसको, ठीक है. अगर कोकोनट ऑयल मेल्ट नहीं है आप इसको जैसे मैंने बताया इसको मेल्ट कर सकते हैं सॉरी एंड 30 सेकंड के लिए माइक्रो में रखें तो मेल्ट हो जाएगा आपका कोकोनट ऑयल. ये कोकोनट ऑयल बहुत फायदेमंद है, बहुत ही बेनिफिट्स इसमें है, बहुत ही बेनिफिट्स हैं. आपकी जो हैंड्स है सॉफ्टनेस आ जाएगी, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाएंगी. बट आपने इसको लगातार यूज करना है, ठीक है. तो ये देखिए इसका हम निकाल देंगे
जो कि सारे टोमेटो के बीच है, इसको हम अच्छे से आराम से निकालेंगे ताकि हमारा जो सीरम है हाथों के लिए, जो सीरम हम बना रहे हैं वो अच्छे से निकलाए, राइट। ये देखिए आपने बिल्कुल आराम स्पून से निकाले सीरम को, ठीक है। ये देखिए जी हो गया। तो ये बस तीन चीजें इतनी इजी है जो कि आपके घरों में मौजूद होती है, राइट। तो हमने अब क्या करना है, हम लगाएंगे अपने हाथों के ऊपर। आपके हाथ इतने सॉफ्ट, इतने नरम हो जाएंगे, लाइक बेबी स्किन जैसे होती है वैसे। आपने लगातार दिन में 2-3 दफा इसको लगाएं और यूज करें, स्पेशली रात को लगाएंगे। देखें जी, ठीक है। तो ये देखें, ये देखें, कोकोनट ऑयल बहुत बेस्ट है और जो टोमेटो है ये बहुत ही आपकी ये जो ड्राइनेस है एंड दाग धब्बे जो होती है लाइनस होती है, ठीक है, ये आपकी इस बहुत ही मतलब जल्द खत्म हो जाएगी, राइट। तो इसको आप लगातार यूज करें एंड मुझे भी बताएं कि आपको ये रेमेडी कैसी लगती है, कैसी लगी है। और ओ माय गॉड, ये कोकोनट ऑयल तो वैसे भी खुशबू अच्छी है तो आए हैं क्या ही बात है। जो हमने 3 इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड किए वो बहुत ही यूजफुल है, रोज वाटर, कोकोनट ऑयल एंड टोमेटो का जो रस है, हमने जो पल्प है वो हमने निकाल के हमने यूज किया है। यू कैन सी रिजल्ट। सो इतना अच्छा है, आप इसको रोज यूज करेंगे ना तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। देन आप मुझे आकर फीडबैक भी जरूर दीजिएगा कि आपको ये वाली रेमेडी कैसी लगी है, कि आपको अच्छी लगी है या नहीं लगी। कि सहजा इसमें ऐसे ही बताती रहती है आपको, राइट तो मैं ऐसे नहीं बताती, मैं यूज करती हूँ, रिजल्ट अच्छा आता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एंड तो काफी दिनों बाद आई हूँ, इंशाल्लाह जल्दी आऊंगी, मैं और रेमेडी लेकर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है छोटी सी, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। देन मैं चलती हूँ, तो दुआओं में याद रखिएगा। तो फिर इंशाल्लाह आऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।